न जाने कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल दू, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफ़रतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने, कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू कभी मुस्कान। और गुरुदयाल, गांव में सब ठीक तो है ना? ठीक कहा है दीदी, बस ये समझ लो जोन चीज जितनी खराब रही है उतनी ही खराब है। इसका मतलब इस साल नदी में मछली वछली अच्छी नहीं मिली। मछली ससरी क्या करेगी दीदी, नदी में हर साल पानी कम होते जा रहा है। स्कूल में और बच्चे आने लगे कि नहीं? बस दो चार आ रहे हैं। और वो धनिया मछोरा, उसने अपनी बेटिया गीता रज्जो और मुन्नी को स्कूल भेजना शुरू किया? अरे का रे गीता बिटिया, रोटी बनी कि ना? अरे का हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे रोटी वोटी बांध के दे तो काम पे जाए। का हुआ गीता? बस अम्मा बन रही है। अरे पगलिया, जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख ले, नहीं तो ससुराल में जाएगी तो सास की गाली खाएगी। कुछ भी बोलते हो। अरे हम देख सरदवा की का हाल है। सरदवा? कौन सरदवा? हल्लिया, ऐसा लग गया जैसे पेट के अंदर कौन है, है? अरे हमने कहा रहा ना कि हमरे बिटवा का नाम सरदवा होगा करके। धनिया भैया, अरे ओ धनिया भैया, अरे आ रहे हो? ए लो पापा। अरे वाह बिटिया, तू तो बड़ी सयानी हो गई। हाय महुआ, अपना ध्यान रखना, हमरी बिटवा का ध्यान रखना। हाँ, हम काम से जल्दी लौट आ रहे हैं। अरे का बात है विकास भैया, काहे चिल्ला रहे हो? मछली पकड़े का जाए कि नहीं? अरे जाए कहा, रुका रुका अभी चला था। अम्मा का हुआ? भूख लगी है। हाँ अम्मा मुझे भी। अच्छा देख, उस टोकरी में कल रात की रोटी पड़ी है, खा लो। तीन तीन बच्चियां पहले से ही है, घर में खाने को दाना तक नहीं। मैं महुआ को समझा कर गई थी कि ऑपरेशन करवा ले, कराया उसने? ऑपरेशन का बात करे तो प्रकाशो दीदी, वहां तो और एक बच्चा पैदा हुए की पूरी तैयारी पर है। क्या और एक? मैं एक साल शहर क्या गई, महुआ ने तो बस, भगवान बचाए ननपड़ को। समझ में नहीं आता कि इनको समझाया कैसे जाए। अच्छा गुरुदयाल, तुम एक काम करो, तुम चलो, मैं महुआ के घर जाकर आती हूँ। ठीक है दीदी। अम्मा क्या हम लड़कियां बुरी और लड़के अच्छे होत रहे? नहीं नहीं काहे बिटिया, ऐसे काहे पूछो थो? ओ बप्पा हमें एक चाटा मार रहे ना। काहे? बप्पा कह रहे कि तुम तीनों बहनों का एक छोटा भाई आए वाला है। तो हमने कहा कि एक छोटी बहन भी तो हो सकती है, तो बप्पा हमें एक जोर से चाटा मार दिए और कहे कि तुम तीन तीन भूतनिया काफी नहीं, जो एक और चाहिए।
अम्मा पप्पा हमारे आने वाले छोटे भाई का नाम शरद रख दिए हैं। हाँ अम्मा, पप्पा विकास चाचा को बता रहे थे, इतने में हम दोनों ने छुपकर सुन लिए। अम्मा इस शरद का होत है ठंडी का मौसम। तुम्हारा छोटा भाई इंतजार की लंबी गर्मी के बाद आ रहा है, इसलिए इसका नाम शरद रखे तुम्हारे पप्पा। मेरा छोटा शरद भैया क्या करत हो? शरद भैया सुन रहा है के सो रहा है? ओ शरद तू क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? अरे प्रकाशो बहन शहर से कब लौटे? बस अभी, लेकिन आखिर में तू मेरी बात नहीं मानी ना। अब क्या करे प्रकाशो बहन? ये लो, खुद गर्भवती हुई और मुझसे कह रही हो कि क्या करे प्रकाशो बहन। ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? ये तीन तीन बच्चे काफी नहीं है क्या? इन तीन बच्चों के पापा कहते हैं कि वंश को आगे चलाने वाला भी तो कोई होएगा चाहिए। मतलब बेटे की चाह में तुम चौथी बार गर्भवती हुई हो? और क्या करें अब? और अगर इस बार भी बेटा नहीं हुआ तो? अरे नहीं नहीं दीदी जी, ऐसा मत कहो, पापा मारते हैं। क्या? अब चलो चलो चौधरी के खेत में जाके काम करो, दो चार पैसा तो कमा लोगे। ऐसी बतियाती रहती है बैठी बैठी। चलो 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 बैठो प्रकाशो बहन। इन तीनों लड़कियों को गांव में के स्कूल में क्यों नहीं भेज देती? वह पढ़ाई तो होगी, साथ में खाना भी मिल जाएगा। और घर में काम कौन करेगा? जंगल से लकड़ियां बीन कर कौन लाएगा? तुम लोग नहीं सुधरोगे। दीदी रज्जू क्या हुआ? तू ऐसे कैसे हो रही है? रज्जू क्या हुआ? रज्जू दीदी पकड़ो, लगता है प्यास लगी है, मैं पानी लाती हूँ। रज्जू क्या हुआ? रज्जू उठ 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 रज्जू उठ। दीदी ये लो पानी। अच्छी अच्छी मिली काज? अरे का बताए विकास भैया, बहुत बुरा हाल है। और जितनी मछली मिली है ना आज, ओकरे से तो नाव का किराया भी नहीं निकलेगा। अरे इसीलिए तो हम कहित रहे भैया कि किराए विराए का चक्कर छोड़ो और खुद की नाव खरीद लियो। वो तो आज ही खरीद ले, पर ओकरे खातिर पैसा वैसा की जरूरत है कि नहीं है? सरकार देते ना। अरे वो सरकार के फार्म वारम भरना, वो तहसील के चक्कर लगाना, ये सब हमरे बस का नहीं है। अरे पर धनिया भैया, हम ये सब किए थे ना। अरे किए रहे भैया विकास, पर तुम तो स्कूल गए रहे ना, और हम ठहरे अनपढ़। अंगूठा छाप हमरे लिए तो काला अक्षर नहीं बना बना है। पर धनिया भैया, कौन आपको पढ़ाई लिखाई से मना किएगा? नहीं ना। ये हमारी उम्र है का पढ़ाई लिखाई करेंगे? अरे धनिया भैया, हम भी तो अगले दो साल से पढ़ाई लिखाई की है। अच्छा वो दिन वो मास्टर नहीं मिली रही, का कात रही? अरे धनिया भैया, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा हमार तुम्हार जैसे बड़े उम्र वाले लोगों के लिए ये है। कहा तो ठीक ही रहा, पर विकास भैया हमारे पास फुर्सत कहाँ है? वो है धनिया भैया, अब फुर्सत तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो फुर्सत निकालोगे तो ही बात बनेगी। अम्माई 3 रुपए देकर खुश हो जाएगी। 3 रुपया? इतने पैसे कहाँ से मिले दीदी? चौधरी ने दिया अपनी मजदूरी। हाँ। तू कुछ खाएगी? हाँ। क्या? जलेबी। हाँ हाँ जलेबी हम भी खाएंगे। अच्छा ठीक है, मगर 3 रुपए में एक भी जलेबी नहीं आएगी। तो फिर दूध पी लेंगे। हाँ हाँ दूध पियेंगे। भैया जी 2 रुपए का दूध दे दो। हाँ दे दे। बर्तन लाए हो? नहीं। अच्छा ये।
ये दूध पी ले, मुझे तो भूख नहीं। नहीं दीदी, ये दूध मुन्नी को पिला दो, मेरी भी भूख नहीं। अच्छा, खेत में कैसे बेहोश हो गई थी, अब कहती है भूख नहीं? हम क्या भूख से बेहोश नहीं हुए थे, वहाँ दूध कितनी थी? नहीं दीदी, ये झूठ बोलती है। नहीं झूठ तो बोलती है। ठीक है, हम तीनों ये दूध पियेंगे। इतना सा तो दूध है, तीनों को एक घूट भी नहीं आएगा। रज्जो मुन्नी, हम एक काम करते हैं, हम ये दूध अम्मा को पिला देते हैं। हाँ हाँ, अम्मा बहुत कमजोर है। हाँ हाँ, आधी रोटी दूध में मिलाकर अम्मा को खिला देंगे, और जो अम्मा खाएगी वो हमारे भैया शरद को भी पहुँचेगा। विकास भैया, मुझे बहुत खुशी है कि इतने कम समय में तुमने इतनी तरक्की कर ली है। अरे प्रकाश सोहन, ये सब आप ही की कृपा है, वरना हम किस काबिल रहे। अरे ऐसा क्यों कहते हो विकास भैया, काबिलियत तो हर इंसान में होती है, जरूरी है उस काबिलियत को पहचानना, उस पर यकीन करना, उस पर भरोसा करना, और ये यकीन ये भरोसा पढ़ाई लिखाई से आता है। तुम एक दिन बहुत कामयाब होगे। प्रकाश सुबह आप तो हमें शर्मिंदा कर रही है। अरे विकास भैया, इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है। अच्छा ये बताओ कि इस गांव में तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे ना जो पढ़ना लिखना चाहते हो। प्रकाश सुबह का कहे हम कि गांव में लोगन तो बहुत है, पर पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचने वाले बिल्कुल नहीं। आज हम तनिया भैया को कहते रहे कि भैया पढ़ना लिखना इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। तो धनिया भैया कहते रहे कि एका हमारी उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की। ये भी कोई बात हुई। अरे पढ़ने लिखने के लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती, ये सागर तो इतना गहरा है कि इसकी गहराई कभी भी नापी नहीं जा सकती। इस सागर में तुम जितना भीतर जाओगे तुम्हारी प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। हाँ प्रकाश बहन, ये बात सच है, सागर जितना ही गहरा होता है मछलियाँ भी उतनी बड़ी बड़ी हाथ लगती है। अरे वाह विकास भैया, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। जी मैं चलूं। अच्छा तुम्हारे साथ कल और भी लोग होने चाहिए। मगर अब अगर मगर कुछ नहीं, मेहनत किए बगैर सफलता हाथ नहीं लगती, हमें कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए। देखो अगर एक आदमी भी आता है तो उसके पीछे शायद 10 आदमी भी आ सकते हैं, है ना? ठीक है, हम कोशिश करूंगा और कल पाठशाला जरूर आऊंगा। जी नमस्कार। दलिद्री है। अरे महुआ, जरा रोटी पानी निकाला, बहुत भूख लगी है। महुआ के पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आ जाओ। ये का करो तो, जल्दी लगी को बुला लाओ। संभालो संभालो। अरे हमका बिटवा हुआ, अरे बिटवा हुआ है लालता प्रसाद, लालता प्रसाद हमका बिटवा हुआ है। अरे भैया, अरे धनिया भैया हमका बधाई दिया। धनिया भैया क्या बधाई थे? अरे धनिया भैया हमका बिटवा हुआ है। अरे बिटवा हुआ, अरे हमरे ही अभी होए वाला है। होए वाला है? हां दाई अम्मा को बुला खाती जा रहे हैं हम। अरे धनिया भैया, धनिया भैया, दाई अम्मा, दाई अम्मा हमरे घर है, तो बुलाओ ना जल्दी से। अरे दाई अम्मा, ओ दाई अम्मा कहां है भैया? दाई अम्मा ये हमरे पड़ोसी है धनिया भैया, इनके यहाँ भी होए वाला है, जरा कराए दियो। तनिक पानी वानी गरम कर ले, हम अभी आए थे। दाई अम्मा जल्दी आओ। हाँ, जल्दी। अरे धनिया मुबारक हो, बिटवा भरा है। हमरा बिटवा आएगा, हमरा नन्ना मुन्ना से लड़वा आएगा। लावा हमरा इनाम। इनाम? अरे इनाम काहे ना मिले, जरूर मिले। अरे तुम तो ऐसे खुशखबरी सुनाए हो कि हम तो पगला गए। इनाम? अरे बिटिया
तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम चौधरी के खेत में मजदूरी कर कर आए हैं। अच्छा तो चौधरी ने पैसा दे दिया कि नहीं? हाँ बप्पा 3 रुपया। अच्छा तो लाओ 3 रुपए दे दो हमका। वो तो गीता दीदी के पास है, हम अभी लाते हैं। लेके आओ बेटा लेके आओ। पप्पा लेकिन 2 रुपए का तो हमने दूध ले लिया। दूध ले लिया? कहाँ दूध ले लिया? किसने खातिर दूध लिया? लाओ 1 रुपया दे। हेलो पप्पा। इलो भाई तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। अरे बिटिया तुम्हारा नन्हा शरद वो आएगा। शरद भैया आएगा। हाँ जाओ अंदर जाओ। अरे हमारा सपना पूरा होएगा, हमारा बिटवा आएगा, हमारा शरद वो आएगा। अरे आएगा रे। अरे प्रकाशु बहन शरद आएगा। शरद? अरे हमरे बिटवा का नाम है शरद। ये क्या बच्चा पैदा होने से पहले ही नाम रख दिया? प्रकाशु बहन एक नहीं दो नहीं तीन तीन गर्मियों के तपिश सहे के बाद ये अच्छा मौसम हमका मिला है, तो हम इसको शरद ऋतु में कहे तो कहा कहे। लो मैं तो समझी थी कि तुम किसी से शरद लगा बैठे हो कि लड़की होगी कि लड़का होगा। नहीं नहीं प्रकाशो बहन हम जुआ हुआ ना खेलते हैं। क्या बात कर रहे हो धनिया, ये जुआ नहीं तो और क्या है। तीन तीन बच्चियां पहले से है, घर में खाने को दाना नहीं और तुम चौथा बच्चा पैदा करने का दाव खेल बैठे। अब चौथी भी बेटी हो जाती तो? अब प्रकाशो बहन जाए दिने बात को, हमारे दिन बदले के वक्त आ गया है अब। अच्छा तो शरद बदलेगा तुम्हारे दिन? और नहीं तो क्या, वो हमारा सपना हमारी आँख का तारा है, अरे हमारे खानदान का चिराग है वो। चलो अब तो तुम्हारे खानदान का चिराग आ गया, अब तो महुआ का ऑपरेशन करवा लो। एक बात कहे प्रकाशु बहन, बेटी तो होता है पराए धन, शादी के बाद अपने ससुराल चली जाएगी, फिर हमारी किस्मत में कहा होगा कौन जाने। दो चार तो बेटा हो जाए तो हमारे काम में हाथ बटाए, है कि नहीं? अरे लालता प्रसाद, ए बेकुआ, अरे हमारे घर बिटवा हुआ रे। भगवान बचाए इन लोगों को, हमारा शरद भैया आ गया। अरे देखो तो कितना प्यारा है हमारा शरद भैया, बिल्कुल गुड्डा लगता है हमारा शरद भैया। अरे शरद भैया सुन रहे हो क्या? तू हमसे बात क्यों नहीं करता है हट के? अरे देखो अभी हंसा था। भैया ये छोटी मोटी बात नहीं है, हंसी का दिन है, हमारे घर बिटवा हुआ है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अरे सही कह रहा है तो कुछ झूम झूम के नाचे का इंतजाम कर। पड़ोस से ढोलक मंगाई था ना। अरे विकास भैया ढोलक से नाच गाना तो हो जाता है, पर वो झूम झूम के नाचे वाली बात जो ना बोले दूसरे चीज से होता है। हो जाए भैया कुछ इंतजाम कर। वो अभी नहीं आए। ये डब्बा, ये डब्बा से 3 बोतल दारू तो आए। आखिर शरद का जन्म हुआ। अगर बेटी हो जाती तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए धनिया खुद की और परिवार वालों की जिंदगी दांव पर लगा देता है, मगर अपना वारिस मिल जाने पर भी धनिया संतुष्ट नहीं है। अपने काम काज में हाथ बटाने के लिए वो और 2-4 बच्चों की आस लगाए बैठा है। अपना बेटा होने की खुशी मनाने के लिए जिस धनिया को अपने घर के बर्तन बेचने पड़ते हैं, दाई को इनाम देने के लिए अपनी नन्ही फूल जैसी बच्चियों की मजदूरी के पैसे लेने पड़ते हैं, उस धनिया का और 2-4 बच्चों की उम्मीद रखना क्या सही है? 2 रोटी और खाने वाले सदस्य 5, क्या ये 5 सदस्य शरद के लिए छठा हिस्सा निकाल पाएंगे? तुम लोगों में तो यही तो मुश्किल बात है, इसके साथ खेलते ज्यादा हो और काम कम करत हो। अरे अम्मा देख नहीं रही हो कितना बदमाश हो गया हमारा शरद बा। हाँ। चलो चलो नहाने के वास्ते चलो, चलो 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 शरद साबुन कहाँ है? ये रहा। अरे ये साबुन कहाँ से आया? अरे घर में खाने को दाना नहीं है, तुम लोग ये साबुन कहाँ से लाए?
ये साबुन हम पैसे से नहीं लाए हैं। तो फिर मैंने बनिया की दुकान के आगे झाड़ू लगाई थी। बताऊंगा कैसे खेलते कंचे। नहीं हमें नहीं सीखना, हम पाठशाला जाएंगे। जा अमर, मैं तो खेलूंगा कंचा। पर वो तो हम पढ़ने के बाद भी तो खेल सकते हैं। नहीं जा फिर, मैं नहीं आता तोरे साथ। तोरी मर्जी। अरे अरे सरद सुन तो। नी नहीं सुधरी। बहुत अच्छे प्रकाशो दीदी, अब मैं पढ़ना लिखना दोनों सीख गया हूँ। मगर पूरी तरह नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। अच्छा ठीक है, मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। आप जितना सिखाओगी उतना सब पढ़ लूंगा। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। देखना एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। कितना बड़ा? इतना? इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा। तुम्हें देखने के लिए सारी दुनिया को अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी। उतना बड़ा? सच? बिल्कुल सच। लो। अरे देख लगे, देख लगे, किधर किधर लगा, लगा तो बहुत लगा, लगा है। देख 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 देख। तेरी अम्मा घर पर है? हाँ है घर पे। जाइए जाइए, बेचारी अकेले उभ रही होंगी। तू ठहर जा, आज से तेरा कंचा वंचा सब बंद करा देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ए चलो यार खेलो खेलो। पता नहीं इस मास्टरनी को गांव से क्यों नहीं निकालते। देखो महुआ, फिर मत कहना कि प्रकाश से तुमने वक्त पर नहीं बताया। अरे का बाहर से कुछ सोच करा रही हो महुआ? यही वक्त होता है बच्चे को बनाने का या फिर बिगाड़ने का। अरे बिगड़े सरद के दुश्मन, हम का ही सरद को बिगड़ने देंगे? इस गांव में बिगड़ने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम सरद को गांव से बाहर भेजने से रहे। अरे तो कौन कह रहा है उसे गांव से बाहर भेजने को? तो फिर कहाँ कह रही हो तुम? मैं अभी अभी देख कर आ रही हूँ, सरद गली में छोकरों के साथ कंचे खेल रहा है। तो इसमें क्या गलती है? बच्चे कंचे नहीं खेल सकते का? वो बात नहीं है महुआ, देखो यही वक्त होता है बच्चे को कुछ सिखाने का। अच्छा अच्छा, स्कूल भेजने की बात करत हो? हाँ वही बात कर रही हूँ। तुमने अपनी तीनों बेटियों को स्कूल नहीं भेजा ये कहकर कि घर का काम कौन करेगा, लेकिन शरद तो खेलता रहता है, उसे स्कूल भेजने में क्या तकलीफ है? तकलीफ है? लो अच्छा हुआ धनिया भैया तुम आ गए, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो महुआ कोई फैसला नहीं करेगी। अरे फैसला क्या करना प्रकाशो बहन, अरे जब सरदवा पैदा हुआ रहा ना, वही टाइम हम फैसला कर लिए रहे। अरे वाह, तो फिर क्या है, कल से भेज दो आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी? अरे हम सरदवा के आंगनबाड़ी नहीं भेजने का फैसला किया। क्यों? देखो प्रकाशो बहन, ना तो हमारी सरद पड़ी है, ना ही हमरे में इतनी ताकत है कि हम वो पढ़ाए लिखाए कि ओका डिप्टी कलेक्टर बना सके। अब मान लो थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए तो अपने पुस्तैनी मछुआरे के काम से भी जाएगा और शहर में जाके बस बाबू भगिरी करेगा। बुरा मत माना धनिया भैया, लेकिन तुम्हारी ये जो सोच है वो इसलिए है क्योंकि तुम अनपढ़ हो। अरे बहुत पढ़े लिखे भी देखे हैं हम। नहीं देखे हैं, अपने पड़ोसी विकास को ही देख लो, पहले खुद प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाकर पढ़ा और अब अपने बेटे चंद्रू को आंगनवाड़ी भेज रहा है। अच्छा चंद्रू आंगनवाड़ी जाता है? हाँ महुआ, चंद्रू भी उसी दिन पैदा हुआ था जिस दिन
शरद पैदा हुआ था। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि चंद्रु पढ़ लिख कर आगे निकल जाए और शरद अनपढ़ गवार रह जाए? नहीं नहीं, हम भी शरद को कल से आंगनवाड़ी भेजेंगे। क्यों धनिया भैया, कहाँ कहे थो? ठीक है, भेज के देख ले। न जाने कितने इसके हैं रूप, एक पल जादू एक पल धूप, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफरतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने।